हेलो एवरीवन, सुप्रभात प्यारे बच्चों। इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले दिनों कुछ बच्चों के मेरे पास रिक्वेस्ट आए कि सर वॉइस शुरू कीजिए, वॉइस पढ़ाइए, तो उसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग वॉइस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा, और अगर कोई क्वेरीज़ हो वॉइस से रिलेटेड तो आप फ़ोन करके या कमेंट बॉक्स में जा कर के आपको क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए आज हम लोग वॉइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वॉइस को समझेंगे कि आखिर ये वॉइस होता क्या है। लेट्स सी, वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि वॉइस, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ वॉइस, वॉइस किसे कहते हैं, वाच्य किसे कहते हैं। वॉइस डिटरमिन्स, वॉइस डिटरमिन्स वेदर वेदर द सब्जेक्ट वेदर द सब्जेक्ट डज द एक्शन डज और परफॉर्म्स द एक्शन परफॉर्म्स द एक्शन और रिसीव इट। ठीक है, यानी कि वॉइस, वॉइस उसे कहते हैं जब किसी भी सेंटेंस में या तो एक्शन जो है सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा या वो एक्शन रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको वॉइस। नाउ लेट सी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस आर देयर। इट हैज टू काइंड्स, इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड अनदर वन इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। नाउ वी विल सी व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आखिर होता क्या है? एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्त्री वॉच। कर्त्री वॉच ये आपको हो गया। पैसिव वॉइस मीन्स कर्म वॉच। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को ध्यान से गौर से जो है समझिए। इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस वुड बी लाइक दिस, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एंड इन पैसिव वॉइस जस्ट अपोजिट ऑफ इट, लाइक ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर जाएगा, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा और ये सब्जेक्ट की ओर जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस को समझें। व्हाट इज एक्टिव वॉइस इज ऑल अबाउट। एक्टिव वॉइस कर्त्री वॉच, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। मीन्स सब्जेक्ट वुड प्ले द मोस्ट वाइटल पार्ट। लेट्स सी हाउ, सबसे पहले एक्टिव वॉइस को समझें। एक्टिव वॉइस क्या होता है? इन एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट
इनएक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, परफॉर्म्स द एक्शन, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। शी एट एन एप्पल, या इसको ईट सी लेते हैं, एट भी चले एट ही ले लें। शी एट एन एप्पल, दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ शी और दे, ये यहाँ पर दे आर एक्चुअली सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। शी एट एन एप्पल, उसने सेब खाया, और दे प्लेड क्रिकेट, उन लोगों ने क्रिकेट खेला। अब पैसिव वॉइस को समझिए, इसको बहुत ही गौर से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें टेंस जो है क्लियर होता नहीं है, और वो वॉइस पढ़ने लगते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। वॉइस पढ़ने से पहले यह अच्छा होगा कि आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको टेंस की जानकारी नहीं है, इफ़ यू डोंट नो अबाउट द टेंस, देन यू वुड फेस मच डिफ़िकल्टी इन वॉइस। बट नाउ लेट्स सी, नाउ द अनदर काइंड इज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, रिसीव्स द एक्शन। यानी कि इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट जो है एक्शन रिसीव करता है, ठीक है। लेट्स सी, शी एट एन एप्पल, इसी को बनाते हैं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को लेट्स सी। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन एप्पल, एन एप्पल। अब ये वर्ब टू है, वी टू, तो ये चेंज होकर के हो जाएगा वॉज, एन एप्पल वॉज ईटेन, ईटेन बाय शी है, तो इसका हो जाएगा हर। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड रूल बताऊंगा कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है वाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अनदर वन, दे प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम, क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जाता है। तो ये था आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर एक्टिव में अगर प्रोनाउन होगा तो उसे हम पैसिव में किस प्रकार चेंज करेंगे। आप लोग फोकस होकर के ध्यान देंगे बोर्ड पे, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। Now let's see, changing of pronouns in voice, voice में हम लोग pronoun को कैसे बदलेंगे। changing
ऑफ प्रोनाउंस इन वॉइस। वॉइस में हम लोग प्रोनाउन को कैसे बदलेंगे, लेट सी। आई चेंजेस टू मी, वी चेंजेस टू अस, दे चेंजेस टू देम, दे देम में बदल जाता है, ही इंटू हिम, ही जो है हिम में बदलता है, आई मी में, वी अस में, अगर वो मैं अभी बताता हूँ आपको। एक नेक्स्ट, शी इंटू हर, यू रिमेन सेम, इट ऑल्सो रिमेन सेम, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ये आपको हो गया चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस, इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। वाइस वर्सा यानी कि जब ये, लेट सी, ये अगर ये इनमें से अगर कोई भी प्रोनाउन एक्टिव वॉइस में होगा तो पैसिव वॉइस में जब हम किसी भी सेंटेंस को बदलेंगे तो ये इस प्रकार से चेंज होंगे, और अगर कोई इनमें से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के जगह पर होगा तो ये इसी तरह से बदले जाएंगे वाइल चेंजिंग फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। पैसिव से एक्टिव में जब हम बदलना सीखेंगे तो ये सारे प्रोनाउंस जो देख रहे हैं ये फिर अपने वापस उसी रूप में आ जाएंगे। इज़ दैट ऑल राइट? नाउ वी विल लर्न चेंजिंग ऑफ वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अनुसार हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। आइए सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन इट विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस अब इसमें मैं क्या करूँगा कि इसका जो भी स्ट्रक्चर है एक्टिव में और इसमें पैसिव में क्या होगा स्ट्रक्चर, ये आपको मैं बताते जाऊँगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग बोर्ड से या मोबाइल में अगर कभी भी पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं, ताकि क्या हो कि अगर आप एक बार जब आप उसको कॉपी करते हैं तो इसका कुछ हिस्सा जो है, कुछ पार्ट आपके दिमाग में जो है वो चला जा सेट कर जाता है, और अगर आप उसी चीज़ को बार बार देखेंगे तो आप इसमें और भी ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी। एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव में। पैसिव में ऑब्जेक्ट इधर चला आएगा, ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया पैसिव का स्ट्रक्चर। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर, ये पैसिव का स्ट्रक्चर। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जितने भी टेंस जो होंगे उसमें जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो V3 का ही यूज़ होगा, चाहे वो एक्टिव में किसी भी रूप में हो, V1 हो, V4 हो, V5 हो, कोई भी फॉर्म हो वर्ब का। पहला चीज़ तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पर चला आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो आपको याद करना है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद करना है, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेमोराइजिंग सम ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव अकॉर्डिंग टू टेंस।
टेंस के अनुसार आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद करना है कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। लेट्स सी, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राम लव्स सीता, राम लव्स सीता, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इधर चला आएगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। सीता, अब सीता ये इधर आ गया, तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब एग्री करेगा? सीता इज़ अ सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। आर तो लगेगा नहीं, क्योंकि आर प्लूरल वर्ब होता है। एम भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यानी कि आई के साथ ही यूज़ होता है। तो यहाँ सीता के साथ इज का यूज होगा। सीता इज वर्ब में मैंने अभी अभी बताया है कि जब किसी भी टेंस में, चाहे वो वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, हम हमेशा पैसिव वॉइस में V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप ही यूज़ करेंगे। आज काफ़ी गर्मी भी है, आप लोग संभल के रहेंगे घर पर, घर से बाहर नहीं निकलिएगा, खास करके अभी लॉकडाउन पीरियड में, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं, सीता इज़ लव्ड, लव का V3 क्या होगा? लव्ड। सीता इज लव्ड, उसके बाद आ रहा है बाय, बाय और फिर सब्जेक्ट। तो इधर सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम इधर चलाएगा। सीता इज लव्ड बाय राम, ठीक है? माय मदर, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। माय मदर कुक्स फूड, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट फिर से इधर चलाएगा, तो ये क्या होगा? फूड, फूड के साथ फिर से इज जो है वर्ब एग्री करेगा। फूड इज कुक, कुक्स का वर्ब 3 क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कुक्ड। फूड इज कुक्ड अगेन बाय, और कौन है इधर? माय मदर, तो माय मदर इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फूड इज कुक्ड बाय माय मदर। इन सारे सेंटेंसेस को आपने नोटिस किया होगा एक चीज़ कि कभी भी इसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है? मीनिंग वुड नॉट बी चेंज्ड। मीनिंग जो है, आप देखिए, मेरी माँ खाना पकाती है और खाना मेरी माँ के द्वारा पकाया जाता है। बोथ हैव सेम सेंस, बोथ सेंटेंसेस हैव सेम सेंस, सेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। चलिए, ये था आपको पहला टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला काइंड, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब हम लोग इसका दूसरा काइंड देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आप लोग ध्यान से समझेंगे इसको। कई बच्चों के मेरे पास रिक्वेस्ट आए थे वॉइस के बारे में बताने के लिए, तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलिए आज से वॉइस शुरू कर देते हैं। और इसमें कुछ करीब 3-4 दिन लग जाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे बहुत ही मन लगा के पढ़ें और इसको सीखें। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। चलिए, दूसरा काइंड आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम
प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका हो गया स्ट्रक्चर एक्टिव का, एक्टिव का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं पैसिव का, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बींग। इसमें ध्यान देंगे जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस जो हैं उसमें हम बींग एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस में। और हाँ, इज आर एम प्लस बींग प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये आपको हो गया पैसिव का स्ट्रक्चर। आइए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ऑब्जेक्ट फिर से यहाँ चला आया, इज आर एम तो रहेगा ही, और इसमें एक्स्ट्रा जो जुड़ा है सिर्फ बींग जुड़ा है, बींग, तो इसमें सिर्फ आपको बींग ही याद करना है, बाकी सारा चीज़ कॉमन है। इज दैट ऑल राइट? ओके, दे आर सॉल्विंग मैथ्स, दे आर सॉल्विंग मैथ्स, वे लोग मैथ बना रहे हैं। अब यहाँ फिर से देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट आर सॉल्विंग वर्ब, और ये मैथ्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये वर्ब में दो वर्ब है, एक हो गया आपको मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट फिर से अब इधर चला आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, मैथ्स अब मैथ्स। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना होगा कि मैथ्स जो है सॉल्विंग मैथमेटिक्स, इसको चले मैथ्स ही कर लेते हैं, मैथ्स इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स के साथ जो है इज़ ही फिर से इज़ ही एग्री करेगा। तो आइए देखते हैं, मैथ्स इज बींग, इज बींग, मैथ्स इज बींग सॉल्व्ड, मैथ्स इज बींग सॉल्व्ड बाय देम, देम, दे के जगह पर फिर से देम आ गया। मैंने जो बताया था कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, तो दे जो है, दे के बारे में क्या बताया था कि दे जो है दे चेंजेस टू देम वाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो यहाँ दे जो है बदल गया देम में। नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब इसको फिर से क्लासिफाई करते हैं, देखते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया इज राइटिंग वर्ब, और अ लेटर ऑब्जेक्ट। बस आपको एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। तो अ लेटर इधर आ जाएगा, अ लेटर, अ लेटर अगेन इज का यूज़ होगा अ लेटर के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अ लेटर इज बींग, अ लेटर इज बींग राइटिंग का क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन बाय शी के, शी के बदले क्या लिखेंगे यहाँ, हर, बाय हर, ठीक है। ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अब आइए इसका थर्ड काइंड देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ध्यान देंगे इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट 3 है ये V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसका पैसिव पैसिव में ऑब्जेक्ट फिर से इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैज हैव प्लस बीन इसमें एक्स्ट्रा लगेगा बीन ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अंडरलाइन करके ऑब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। इज दैट ऑल राइट ओके आई होप सो। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स कुछ एग्जांपल देखते हैं। दे हैव बीटन द डॉग दे हैव बीटन द डॉग वे लोग कुत्ते को पीट चुके हैं। अब इसमें दे सब्जेक्ट हैव बीटन वर्ब और द डॉग ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस में अगर आपने पहचान लिया कि सब्जेक्ट कौन सा है वर्ब कौन सा है ऑब्जेक्ट कौन सा है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट फिर से इधर आ जाएगा द डॉग हैज़ अब इसके साथ हैज़ का यूज़ होगा हैज़ बीन हैज़ के बाद बीन लग रहा है तो यहाँ बीन लगा देंगे हैज़ बीन बीटन बीटन का ये V3 में ही है इसमें भी तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है वर्ब फॉर्म में। द डॉग हैज़ बीन बीटन बीटन बाय देम दे देम में बदल जाएगा ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं आई हैव डन माय होमवर्क आई हैव डन माय होमवर्क मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ मैं अपना होमवर्क बना चुका हूँ। इसमें फिर से आई सब्जेक्ट हैव डन हो गया वर्ब और माय होमवर्क ये आपको हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा माय होमवर्क अब होमवर्क ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल है सिंगुलर और सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब वेदर एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा आगे चल कर के जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊँगा तो मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बताऊँगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं माई होमवर्क हैज़ बीन तो हैज़ क्या है सिंगुलर वर्ब है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ ही एग्री करेगा। माय होमवर्क हैज़ बीन कंप्लीट डन डन है तो डन यहाँ लिखेंगे हैज़ बीन डन यहाँ आप चाहें तो बाय मी भी लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहूँगा आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग ओवर हेयर लेट्स सी कई बार ऐसा होता है वॉइस चेंज करते समय व्हेन द सब्जेक्ट इज़ नोन जब हमें पता रहता है सब्जेक्ट के बारे में
तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन द सब्जेक्ट व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. एक्टिव से जब हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रहता है तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सब्जेक्ट भी उसमें मेंशन करें. जैसे द पुलिस हैव कॉट द थीफ, ठीक है, या द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ. तो इसमें बस सिंपली हम लोगों को लिखना है द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, नथिंग एल्स. क्योंकि अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस ही करेगा ऑब्वियसली. हम लोग तो जनता तो अरेस्ट कर नहीं सकती है, गिरफ्तार कौन कर सकता है, पुलिस करेगी. तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है नोन है. माई होम वर्क हैज़ बीन डन. जैसे मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक छात्र हूँ और मुझे कहीं से होमवर्क मिला है स्कूल में, तो मेरा होमवर्क कौन कंप्लीट करेगा, मैं स्वयं करूँगा, है कि नहीं. और इसका चौथा काइंड है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट डज नॉट हैव एनी पैसिव फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होता है. ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज आपने प्रेजेंट टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है ये हमने देखा. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट टेंस को कैसे बदला जाता है, देन आफ्टर फ्यूचर टेंस, देन आफ्टर मॉडल्स और लेट. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू.